स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? यानी कि एक काम बहुत दिन पहले हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो काम ख़त्म होने के बाद में फिर दूसरा काम शुरू हो गया था। अब मैं एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसके जरिए आप कुछ समझ जाइएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इस जुमले के आखिर में, इस वाक्य के आखिर में क्या क्या रहने से वो समझ में आएगा। ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, लेकिन याद रखना होगा कि हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि आप वो चुका हो चुकी हो ऐसा पढ़ते रहेगा था ऐसा करके नहीं होता है। लेकिन आपको क्ल्यू एक दे दे रहा हूँ। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर पास्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पर फेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट में लिख दिया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब इसका जुमला, इसका वाक्य एक दो में लिख रहा हूं। व्हेन आई हैड शट द डोर, शट द डोर, आई ओपेंड द सेफ, मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद, यानी कि पूरा दरवाज़ा बंद करने का काम ख़त्म हो गया, उसके बाद में मैं क्या किया, संदूक खोला। दरवाज़ा बंद करने के बाद में मैं संदूक खोला। अब देखिए, ये पास्ट परफेक्ट में है, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में भी है। ओके, अब आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट में कैसे है, हैड प्लस वर्ब थर्ड। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड रहता है। यहां पर हैड प्लस वर्ब थर्ड है, यहां पर सिर्फ वर्ब टू है, वर्ब टू है, यानी कि गो वेंट गॉन यहाँ वेंट की तरह है, ओपेन ओपेंड ओपेंड यहाँ ओपेंड है, यहाँ पर क्या है वर्ब थर्ड है। यानी कि पास्ट परफेक्ट में पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। दो सेंटेंस अगर आता है पास्ट में तो इस तरह लिखा जाता है। फिर उसके बाद में आफ्टर आई हैड, अगर ऐसा करें आफ्टर आई हैड शट द डोर, आई ओपन द सेफ। दरवाजा बंद करने के बाद, यानी कि मेरा दरवाजा बंद करने का काम खत्म हो चुका था, मैं दरवाजा बंद कर चुका था, किया था, तब जाकर मैं सेफ को खोला। ये सिंपल पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में। अब ये जानना है ऐसे सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल होता है, और अक्सर ये ऐसे ही भी हो जाता है, हैड ईटन, मैं खा चुका था। अब हम इसके रूल्स को रफ्ता रफ्ता जानेंगे। पहले नाउ मॉपिट अप, लिख रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पहले कैसा होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का रोल, रोल क्या है कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हैड के बाद में वर्ब थर्ड। कैसा हुआ, आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था, आई देखे सब्जेक्ट हुआ, हैड गो एंड गन गन देयर, मैं वहां गया था, यानी कि मैं वहां पहुंच चुका था, उसके बाद में कुछ हुआ होगा। मरीज मर गया था तब डॉक्टर आया, मरने के बाद डॉक्टर आया, तो आई हैड गॉन देयर। अब देखिए, आई हैड गॉन देयर, यहां पर सब्जेक्ट है आई,
वी यू ऑल जितने सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ में हैड का इस्तेमाल इसमें होता है। ही शी राम बॉय कोई भी आ जाए उसके साथ में हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल प्रयोग यूजेस होता है। ओके नाउ अगेन इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव देखिए, नेगेटिव कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। अगर आप बहुत ही काम एंड क्वाइटली इसे सोचिएगा देखिएगा ऐसे ही जान जाइएगा। अब मैं दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हैड के बाद में नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी कि हैड और वर्ब थर्ड के बीच में नॉट का इस्तेमाल होता है। ऐसा होगा आई वी यू, चलो ऑल सब्जेक्ट ले लें, ऑल सब्जेक्ट्स सबको एक ही साथ में ले लिए, हैड रिटेन हैड नॉट रिटेन अ लेटर नहीं लिखे थे, रिटन अ लेटर खत नहीं लिखे थे, हैड नॉट रिटन अ लेटर खत नहीं लिखे, मैं नहीं लिखा था आई हैड नॉट रिटन, मैं नहीं खाया था आई हैड नॉट ईटन, हम लोग नहीं खाए थे वी हैड नॉट ईटन, हम लोग नहीं गए थे वी हैड नॉट गॉन। ओके इज इट क्लियर? इसमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात वाक्य को पहचानने का जो तरीका था मैं यहां लिख दे रहा हूं, चुका था चुकी थी चुके थे, नहीं तो या था ई थी या था ई थी और ए थे ये जो है पहचान में, गया था गई थी खाया था खाई थी, इस तरह इसको पहचाना जाता है। ओके नाउ अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, मैं गया था मैं नहीं गया था आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं खाया था आई हैड नॉट ईटन, मैं उस दिन जो गया था ना वहाँ मैं नहीं सोया था आई हैड नॉट स्लेप्ट ओवर देयर, मैं वहाँ नहीं सोया था आई हैड नॉट स्लेप्ट ओवर देयर, वो मुझे पैसा नहीं दिया था भाई ही हैड नॉट गिवन मी मनी, ही हैड नॉट गिवन मी मनी, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में हम इसका इंटरोगेटिव लिख रहे हैं, इंटरोगेटिव इन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? सेंटेंस कैसा है? इसके रूल्स क्या है? रूल्स देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, पहले हैड आया उसके बाद में सब्जेक्ट आया उसके बाद में वर्ब थर्ड आया, वर्ब थर्ड हर वक्त वर्ब थर्ड आया उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, क्यों कि ये बताएगा कि आप क्वेश्चन मार्क्स यानी कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। अब देखिए हैड ले लीजिए, हैड यू अगर यू ले लीजिए वो लीजिए पूरा ऑल सब्जेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स आप किसी को भी ले लीजिए इसमें, हैड गन देयर हैड यू गॉन देयर, हैड यू गॉन देयर क्या आप वहाँ गए थे, हैड दे गॉन देयर यानी कि क्वेश्चन मार्क्स क्या वो वहाँ गए थे, हैड यू ईटन तुम क्या खाए थे, तुम जो पार्टी में गए थे खाए थे, हैड यू स्लेप्ट ओवर देयर क्या आप वहाँ सोए थे, क्या वो तुम्हें पैसा दिया था, ये जो है ये इंटरोगेटिव है। फिर इंटरोगेटिव
नेगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप नहीं लिख पाएंगे। हेड के जगह पर हेड रहा, इंट्रोगेटिव हेड ऐसी रहता है, हेड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद में वर्ब थर्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या तुम वहां नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन देयर? हैड यू नॉट गॉन देयर? हैव यू, हैड यू नॉट गॉन देयर? क्या तुम वहां नहीं गए थे? क्या तुम खाना नहीं खाए थे? हैड यू नॉट ईटन फूड? हैड यू नॉट ईटन? क्या आप नहीं खाए थे? हैड यू नॉट ईटन? क्या आप नहीं खाए थे? अरे भाई, तुमको जो काम दिया गया था तुम काम नहीं किए थे? हैड यू नॉट डन दैट वर्क? हैड यू नॉट रिटन? क्या तुम नहीं लिखे थे? हैड ही नॉट रिटन? रिटन क्या वो नहीं लिखा था? यानी कि इसके साथ में हैड पहले आएगा, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, नॉट और वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लीजिएगा। इट इज़ वेरी इजीएस्ट वे। मैं एक बात यहाँ कहने चाहूँगा कि आप हर ओ अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव से 10-10 सेंटेंस बनाइएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आई एम ऑल्सो वेरी वीक इन हिंदी, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ हिंदी में। जब आस्ते आस्ते रफ्तार रफ्तार हम इंग्लिश में दाखिल हो रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग्स, मैं पहले कह चुका हूँ कि लैंग्वेज लैंग्वेज से ही पैदा होता है। ग्रामर और जो ये हिंदी थोड़ा बहुत मैं लिख रहा हूँ, ये सपोर्ट करेगा आपको बोलने में। अक्सर आप देखते होंगे एक दिन में टेंस सीख लीजिए। कोई कहता है, मैं तो ऐसा भी देखा हूँ कि आज ही टेंस सीख लीजिए। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हो सकता है? एक जुबान है, इसको एक दिन, दो दिन, दस दिन, महीना, दो महीना, तीन महीने में नहीं, 6 महीना 6 मंथ में आप कुछ जानिएगा। बिकॉज आई ऑल्सो टीच यू प्रोनंसिएशन पावर, वर्ड पावर, वोकैब, ये सब जानिएगा। जानने के बाद में आप बात करेगा। लेकिन याद रहे, आर हम लोग का सिर्फ 12 क्लास, 12 क्लास के बाद में ऑल ऑफ यू शुड नाउ नाउ, अभी तुम याद रखो कि नोबडी विल चॉक अवर हेयर इन एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश। आप लोग सब प्रैक्टिकल क्लास यहाँ कीजिएगा, इंग्लिश में कीजिएगा। प्रोनंसिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका अंग भंगी यानी कि आर्टिकुलेशंस ऑफ टॉकिंग, और अंग यानी कि इस हाथ पैर का जो बात करने का तरीका भी होना चाहिए। तो मैं फिर आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाय वाइट, सब्सक्राइब इट, Like it. Thanks a lot.